क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। महेंद्र सिंह धोनी ने अभी संन्यास का फैसला नहीं किया है और वर्ल्ड कप के बाद वो आर्मी ट्रेनिंग के लिए चले गए थे, लिहाजा वेस्टइंडीज दौरे पर उन्हें टीम में नहीं चुना गया। लेकिन अब सितंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में भी धोनी को टीम में नहीं चुना जाएगा और इसका साफ साफ ऐलान BCCI ने कर दिया है। यही नहीं, ऋषभ पंत टीम के लीडिंग विकेटकीपर बने रहेंगे और पंत के साथ दो और बैकअप विकेटकीपर्स को भी टीम में चुना जाएगा, लेकिन वो धोनी नहीं है। तो क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या धोनी के संन्यास का वक्त आ गया, कमेंट जरूर करें। तो 15 सितंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच धर्मशाला में होगा जबकि दो अगले मैच 18 और 22 सितंबर को मोहाली और बेंगलुरु में होंगे। अब BCCI ने साफ कर दिया है कि वो इन 3 T20 मैचों में महेंद्र सिंह धोनी को टीम में नहीं चुनने जा रहे हैं। 3 सितंबर को टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा और वेस्टइंडीज को 3-0 से हराने वाली टीम को ही यहां भी चुना जाएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। BCCI के एक अधिकारी का कहना है कि अक्टूबर 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम को तैयार किया जा रहा है जिसमें धोनी फिट नहीं होते हैं। BCCI अधिकारी ने कहा अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया कि पंत ही हर फॉर्मेट में टीम के मुख्य विकेटकीपर रहेंगे और पंत के साथ में दो और बैकअप विकेटकीपर्स को चुना जाएगा। अब बैकअप विकेटकीपर्स की दौड़ में ईशान किशन, संजू सैमसन और KS भरत शामिल हैं। इन तीनों में से दो विकेटकीपर को बैकअप के तौर पर चुना जाएगा, लेकिन धोनी को टीम में चुना नहीं जाएगा, इतना पक्का हो गया है। तो ऐसे में अब क्या मान लिया जाए कि धोनी को सम्मान के साथ संन्यास ले लेना चाहिए या फिर धोनी को अभी और इंतजार करना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।